मैंने तो जैसा मैंने आपको सुबह बताया था मैं परफ्यूम का रिव्यू करूंगा, तो मैंने आप सबसे कहा था कि अभी मुझे कहीं नहीं जाना, पर अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया शिवानी दीदी का, तो मुझे जाना है उनके। और ये मुझसे ये कह रहा है कि मैं, ये मुझे पैसे दे रहा है बेसिकली कि मैं इससे वही सवाल पूछूं जिसके जवाब इसको आते हों। तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं नाविद खान, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है और मैं नहा लिया हूँ, नहा के रेडी हो गया हूँ बिकॉज, और पीछे आप देख सकते हो अभी तक गोवा से आके मैंने कुछ भी क्लीन नहीं किया है, तो शूज़ वगैरह मुझे वापस रखने हैं और कुछ परफ्यूम्स हैं जो मुझे अनबॉक्स भी करना है, जिनका रिव्यू भी करना है, तो मैंने सोचा लगे हाथ व्लॉग में वो भी कर दूंगा। अगर आप लोग नए हो तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को लाइक करना, कॉमेंट करना अच्छे अच्छे। और मेरी आज ये वाली आइज रेड हो रही है, मुझे नहीं पता, आई होप सब ठीक हो। तो अभी मैं बस ब्रेकफास्ट करके और फिर मैं निकलूंगा जिम, क्योंकि बहुत टाइम बाद में आज अपने जिम जाने वाला हूँ और मैंने गोवा जाके बहुत ज़्यादा वजन पुट ऑन कर लिया है, मैं टैन भी बहुत ज़्यादा हो गया हूँ, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आज ब्रेकफास्ट में क्या कह रहा हूँ और ब्रेकफास्ट करके हम निकलते हैं अपना मसल। सो आज के ब्रेकफास्ट में वो है मेरा नॉर्मल चाय, और यूजुअली जब मैं डाइटिंग करता हूँ तो मैं चाय कम कर देता हूँ, और इतनी मेरी क्वांटिटी होती है चाय की, ये बहुत मतलब जो एक छोटा कप होता है उससे आधी है ये चाय, क्योंकि ये कप थोड़ा सा फैला हुआ है तो आपको इसलिए लग रही है। और ये जो नाविद खान है ये मैंने स्पेशली अपने लिए कस्टमाइज़ कराया है, ना तो मेरा ये कप 700 का है और ना ही मेरा आने वाला ब्लूटिक 700 का होगा इंशाल्लाह, वो भी मैं चाहूँगा कि जेन्युइनली मैं उसे परचेज करूँ। और आज मैं टिम हॉर्टन्स का क्रॉसों खाने वाला हूँ अपने ब्रेकफास्ट में, जिससे मुझे एनर्जी आएगी। सो निकालते हैं अपना, एक्चुअली ये मैंने स्विगी से ऑर्डर किया था और ये पंजाबी बाग से आया है। मेरे जो जब भी आप स्विगी खोलो तो टिम हॉर्टन्स में आपको दो सजेस्ट करते हैं, एक पंजाबी बाग वाला और एक सजेस्ट करता है आपको NSP वाला। तो पंजाबी बाग वाला मेरा घर के नियर बाय है तो मैंने वो मंगवाया है, और ये टिम हॉर्टन्स ने एक अच्छा सा ग्रीटिंग भेजा है, हे देयर थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग विद अस ना ना ना। सो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो क्रॉसो, अब कई लोग कहेंगे आप क्रॉसो इतना क्यों खा रहे हो, क्रॉसो तो नहीं खाना चाहिए, बट पोर्शन कंट्रोल नाम की एक चीज़ होती है तो मैं इतना ही लेने वाला हूँ, नॉट मोर देन दैट। और ये खाकर हम निकलते हैं जिम की तरफ। वर्कआउट मैंने कंप्लीट कर लिया था और रास्ते में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी और मैं अकेला इधर शूट करने के लिए मुकुल थानी। तो अभी जैसे मैं घर आया हूँ, घर आके मैंने कपड़े बदले हैं, थोड़ी सी ऑयलिंग की है और अभी मुझे भूख नहीं लग रही है, पर अगर मैंने लंच किया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं लंच में क्या करने वाला हूँ। बट हाँ, मैं आज आपको कुछ परफ्यूम्स के बारे में बताने वाला हूँ जो है बेला विटा ऑर्गेनिक्स के। तो वो जो परफ्यूम है वो कोई स्पॉन्सर्डली या किसी ने मुझे नहीं, कंपनी ने कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैंने खुद परचेस किया था, क्योंकि आप सब जानते हो कि मैं रिव्यूज़ भी करता हूँ तो मैं उसका भी आपको रिव्यू दूंगा। यूज़ किए हैं वो मैंने तीनों परफ्यूम्स को, तो ये तीनों जो परफ्यूम्स हैं क्योंकि रिव्यू है तो मुझे वुमेन मेंस दोनों के परफ्यूम परचेज़ करने पड़ते हैं, तो मैंने तीनों परचेज करे हैं और तीनों वुमेन्स परफ्यूम हैं, तो मैं उनके आपको रिव्यू देने वाला हूँ। जितनी भी महिलाएं सब्सक्राइबर्स हैं आपके लिए बहुत खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूँ, बस कुछ ही देर में मैं आपको उसका रिव्यू देने वाला हूँ। वो जो परफ्यूम्स हैं वो ये मान लो कि जो 10,000-15,000 के परफ्यूम्स हैं उनके इंस्पायर्ड रेप्लिका है, बहुत कम बजट में। तो
यूनिसेक्स है, यूज कर सकते हैं मेंस भी, जिन्हें बहुत लाइट और डिसेंसी पाउडरी खुशबू पसंद है। तो थोड़ी देर में मैं आपको मिलता हूँ नहा धोकर, अगर मैं लंच करता हूँ तो। सो मैं नहा लिया हूँ और लंच मैंने किया नहीं था जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही है, तो मैंने लंच नहीं किया था। ब्रेकफास्ट आप देख ही चुके हो मैं क्या कर रहा हूं। मैंने तो जैसा मैंने आपको सुबह बताया था मैं परफ्यूम का रिव्यू करूंगा, तो वो ये थे बेला विटा लग्जरी परफ्यूम्स के 3 परफ्यूम। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सुबह भी मैंने बोला था, ये मुझे पर्सनली अच्छे लगे। और आपको पता है कि मेरा चैनल, मैं रिव्यू करता हूं, तो रिव्यू करना तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो रिव्यू भी आते रहेंगे मेरे ब्लॉग्स के बीच बीच में, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहना। ये 3 परफ्यूम्स हैं, एक है सेन्योरिटा वुमेन और एक मैंने लिया था क्या कहते हैं ग्लैम वुमेन और एक था डेट वुमेन। ये 3 परफ्यूम्स आपको एक परफ्यूम 500 रुपये में मिल जाएगा। अभी मैं आपको उसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ, सेट करता हूँ अपना फ़ोन कहीं पे, फिर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो जो इसका ये है डेट वुमेन परफ्यूम, तो ये जो परफ्यूम है, ये जो तीनों परफ्यूम मैंने आपको दिखाए हैं ना, ये आप आँख बंद करके ले लेना, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली, इवन आपको बहुत पसंद आएंगे। 500 रुपये में इससे बेस्ट कुछ नहीं मिलने वाला, सच बता रहा हूँ। एक ये डेट वुमेन है, इसकी जो खुशबू है ये बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत फ्रूटी, बहुत ज़्यादा फ्रूटी। आपने वो एक कैंडी खाई होगी जिसका स्ट्रॉबेरी जैसी खुशबू, उसके फर्स्ट नोट में स्ट्रॉबेरी जैसी आपको खुशबू आने वाली है और इसकी लास्टिंग 4 to 5 hours रहने वाली है। वेल मेरा परफ्यूम का, मैं परफ्यूम का मेरे को रिव्यू करने पड़ते हैं, तो मुझे सारे ही तरीके के परफ्यूम्स लेने पड़ते हैं। कभी आप कहो कि आज सिर्फ गर्ल्स का ही रिव्यू कर रहे हो, बॉयज़ का भी मैं करता रहता हूँ, नहीं देखा तो पिछले वीडियोज़ में देख लेना। ये जो मैंने आपको बताया था, ये जितने तीनों परफ्यूम्स हैं ये बहुत हैवी ड्यूटी ब्रांड से इंस्पायर्ड होके बनाए हैं। ये वो परफ्यूम्स हैं जो कम से कम अगर आप ब्रांड पे जाओगे तो आपको 10-12 हज़ार का मिलेगा, पर आपको वो सेम खुशबू 500 रुपये में मिल रही है। दूसरा है ये ग्लैम वुमेन, ये भी बेला विटा का है और ये भी आपको 500 में मिलेगा। ये अगर आपने गुच्ची फ्लोरा यूज़ किया होगा तो उससे इंस्पायर्ड होकर ये फ्रेगरेंस बनाई गई है। ये भी बहुत स्वीट फ्रेगरेंसेज हैं, समर्स के लिए सबसे बेस्ट है, तो आपको ये भी पसंद आएगी। ये मैंने यूज़ किया है, सारे यूज़ करता हूँ और मैं जिम जाके वर्कआउट करता हूँ, तो मुझे उनकी परफॉर्मेंस तब पता लगती है कि कितनी परफॉर्मेंस है। तो ये वर्कआउट करते टाइम 4 to 5 hours रहता है। और एक ये है सेन्योरिटा, ये वाला या पता नहीं डेट, इन दोनों में से कोई एक परफ्यूम है जो कि जो प्रियंका चोपड़ा परफ्यूम यूज़ करती है रेल्फ लॉरेन रोमांस का, उससे इंस्पायर्ड होके बना है। इसमें थोड़ा सा सिट्रसी लेमनी फ्रेश, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे एक मॉर्निंग होती है ना बीची वाइब फ्रेश, ऐसी इसकी फ्रेगरेंस है। तो आप इन तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, और जो मेंस को लाइट परफ्यूम पसंद है वो ये यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हो। और मेरे हिसाब से 500 रुपये में कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैंने इसको जो रोहिणी में सिटी सेंटर है वहाँ से परचेज करा था, वहाँ पर आउटलेट है, तो आप ले लेना। और आउटलेट पे परचेज करोगे तो आपको काफ़ी ऑफर्स मिल जाते हैं। वैसे ये तीनों 500-500 के हैं, पर मेरे को पता नहीं कुछ डिस्काउंट करके 1300 रुपये में 3 मिल गए थे, तो मैंने आपको कहा था, मैंने इसका रिव्यू भी कर दिया साथ के साथ। तो अभी चलते हैं कहाँ चलते हैं, घर पे ही हैं अभी तो हम। सो ये मेरा भतीजा मुझे ड्रॉप करने के लिए आया है, अरे मुझे पता नहीं है। बाय 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 बाय। सो मैंने आप सबसे कहा था कि अभी मुझे कहीं नहीं जाना, पर अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया है शिवानी दीदी का, तो मुझे जाना है उनके घर पर, और आगे का ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूंगा। और कल भी मुझे काम है, तो कल का ब्लॉग पता नहीं, पर अभी हाँ आज आगे का मैं कंटिन्यू करूंगा। तो चलो मेरे साथ गुरुग्राम। सो फाइनली मैं आ गया हूँ, और अभी मैं ना बोलूँगा ज़्यादा क्योंकि मुझे बहुत देर से सो आ रही है, पूरा 1 घंटा लगता है मुझे आने के लिए। मेरा मेरा बैग एक पीछे बैग है क्योंकि कल काम है इस वजह से। और ये है लिफ्ट भी है, जो जल्दी आएगी हम उससे जाएंगे। आ जा जा। नंद हो जाओ, मुझे जाना है।
सो अभी मैं आ गया हूँ अपनी दीदी के घर पर, और ये है उनका घर, एंड ही इज इरफान जो यहाँ पर काम करेगा, ये ड्रेसेस डिजाइन करेगा। और मैं अभी आपको बाकी लोगों से मिलवाता हूँ। मेरे ब्लॉग में आओ आप। ये है सदाम भाई जो कि सपना मैम की सारी ड्रेसेस संभालते हैं, और ये है अमन, मेरी मैम का फैन है, और इरफान से मैंने आपको मिलवा दिया, और ये जगह है जहाँ और ये मुझसे ये कह रहा है कि मैं, ये मुझे पैसे दे रहा है बेसिकली कि मैं इससे वही सवाल पूछूं जिसके जवाब इसको आते हों। बताओ अमन, क्या बताना है, क्या पूछना है? टमाटर का रेट क्या चल रहा है ये बताओ। 200 रुपए तो टमाटर खाना चाहिए या फिर चिकन? हमारे मुरादाबाद में तो 200 को चल रहा है, बाकी चिकन खाओ दबा के, क्योंकि उतने में चिकन भी आ जाएगा, टमाटर का क्या होगा। पर बिना टमाटर के चिकन कैसे बनेगा? ये निकट होगा भाई, क्या इरफान स्लो क्लैप है ना, बिना टमाटर के चिकन नहीं बनेगा। बाकी मेरा टेस्ट नहीं आया तो खाना क्या। मेरा ड्रीम था कि मैं नावेद भाई के चैनल पर आऊं, आप लोग मुझे देखो। और मैं नावेद भाई के साथ ही हूं अभी, और इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो, और मेरी जो इंसल्ट हुई है रिक्वेस्ट बेसिकली ये कहना चाहता है हम दोनों अपने सपने में है ना। मुझे पता है, ये व्यू है यहाँ से अपार्टमेंट का, जो कि मुझे बहुत पसंद आता है। यहाँ पे बिल्कुल शांति है, सुकून है,